इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के 10 अर्बन लेजेंड्स के बारे में। सस्कन स्क्रीमर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक पुराना सा रेल रोड ब्रिज है। कहा जाता है कि इसी पुराने ब्रिज पर सालों पहले एक जवान लड़की ने आत्महत्या की थी। माना जाता है कि उसके प्रेमी ने उसे शादी के दिन ही धोखा दिया था और इसीलिए उस लड़की ने इस ब्रिज पर फांसी लेकर आत्महत्या की थी। इस अर्बन लेजेंड के मुताबिक रात के वक्त कई लोगों को इस ब्रिज पर उस लड़की की आत्मा जोर से चिल्लाते हुए दिखी है। यह डरावनी सी आत्मा उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। द हाउस ऑफ डॉग बॉय। अमेरिका के अरकनसास नामक इलाके में पति और पत्नी का एक जोड़ा रहता था, जिन्हें बहुत सालों की कोशिश के बाद एक लड़का हुआ था और इस लड़के का नाम रखा गया जेराल्ड। जेराल्ड बचपन से ही बहुत शरारती था, पर बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके स्वभाव में अजीब से बदलाव हो रहे थे और एक दिन अचानक से उसने आवारा जानवरों को जैसे कि कुत्ते और बिल्लियों को अपने घर में कैद करना शुरू कर दिया। कैद में रखे इन जानवरों को वो कई दिनों तक भूखा रखता था और हर रोज उनको पीटा करता था। अक्सर ये जानवर कुछ दिनों बाद मर जाते थे। जेराल्ड ने कुछ सालों बाद हद ही कर दी। उसने अपने माता पिता को ही बंदी बनाया और उन पर तरह तरह के सितम ढाने लगा। वक्त रहते ही पुलिस को इस बात की भनक लग गई और जेराल्ड पकड़ा गया। कई सालों बाद जेराल्ड की जेल में ही मौत हो गई, पर आज भी उसके खाली पड़े घर से तरह तरह की अजीब सी आवाजें आती हैं। ग्रंच पीपल। अमेरिका की लुजियाना नामक जगह पर ग्रंच रोड नामक एक इलाका है। कहा जाता है कि इस जंगल में ग्रंच पीपल नामक जंगली लोग रहते हैं, जो दिखने में विकृत और बौने हैं। माना जाता है कि ग्रंच नामक ये विकृत जंगली लोग लोगों को मारकर उनका खून पी जाते हैं, इसीलिए अब इस इलाके में जाने से लोग डरते हैं। घोस्ट ऑफ स्टो लेक। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्टो लेक नामक एक तालाब है और इस तालाब के पास ही में मौजूद एक हाईवे पर पुलिस ने तेजी से गाड़ी चला रहे एक आदमी को पकड़ा, पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उस आदमी ने बताया कि उसने स्टो लेक के पास एक औरत की डरावनी आत्मा को देखा है जो उसके पीछे पड़ गई थी और इसी डरावनी आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए वो तेजी से गाड़ी चला रहा था और फिर पुलिस ने उस आदमी को जाने दिया क्योंकि उन्हें भी स्टो लेक की आत्मा के बारे में पता था। कहा जाता है कि एक औरत के दो बच्चे स्टो लेक में डूबकर मारे गए थे, जिसके बाद उस औरत ने भी निराश होकर उस तालाब में छलांग लगा दी। माना जाता है कि इस औरत की आत्मा अपने बच्चों को ढूंढते हुए स्टो लेक के इलाके में मंडराती है। इस अर्बन लेजेंड के मुताबिक जो कोई भी उनके पास उस औरत के बच्चे होने का दावा करता है, उनके पीछे उस औरत की डरावनी आत्मा लग जाती है। हेल्स गेट ब्रिज। अमेरिका के ऑक्सफोर्ड अलाबामा इस इलाके में एक पुराना सा पुल है, जिसे नर्क का दरवाजा भी समझा जाता है। इस पुल और इसके आसपास के इलाके में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो चुकी हैं। फिर साल 2005 में इस ब्रिज पर से गाड़ियों की आवाजाही हमेशा के लिए बंद कर दी गई, पर माना जाता है कि आज भी रात के वक्त हेल्स गेट नामक इस ब्रिज पर कई अजीब सी पैरानॉर्मल घटनाओं का एहसास किया जा सकता है। ब्लैक एंजल। अमेरिका के आयोवा के ऑकलैंड सिमेट्री में मौजूद एक परी का ये काला पुतला शापित माना जाता है। इस अर्बन लेजेंड के मुताबिक अगर कोई गर्भवती औरत ब्लैक एंजल के इस पुतले के नीचे से गुजरती है तो उसका जन्मा बच्चा पेट में ही मर जाता है और जो भी इस पुतले को छूने की जुर्रत करता है आने वाले 6 महीनों में उसकी मौत हो जाती है। लोगों का तो ये भी मानना है कि रात के वक्त ये पुतला जीवित हो जाता है। रिवरडेल रोड।
अमेरिका के कोलोराडो में स्थित रिवरडेल रोड एक प्रेत बाधित रास्ता माना जाता है। कहानी के मुताबिक एक दिन एक आदमी इस रास्ते पर जॉगिंग कर रहा था, पर अचानक से इस रास्ते पर तेजी से दौड़ रही एक कार ने उसे कुचल दिया। वो लड़का बहुत ही गंभीर तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से जिंदा था। पर उस कार का चालक घायल लड़के की मदद करने के लिए नहीं रुका। आखिरकार उस लड़के ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि इस लड़के की आत्मा आज भी रिवरडेल रोड पर मंडराती है, और जो कोई भी इस रास्ते पर अपनी कार रोकता है उसकी कार पर खटखटाने की जोर की आवाज आती है। कई लोगों ने तो उस अदृश्य आत्मा के हाथ के निशानों को कार की खिड़कियों पर उभरते हुए देखा है। स्लॉटर हाउस कैनियन। अमेरिका में 17वीं शताब्दी में एक परिवार सोने की खोज में आया था। वो एक बहुत ही दूर दराज के इलाके में अकेले रहते थे, और एक दिन उस परिवार का मुखिया घरेलू सामान लाने के लिए दूर बसे शहर में चला गया, पर कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद वो वापस नहीं लौटा था। खाने की कमी के कारण उसके परिवार की हालत खराब होने लगी थी। वो लोग रेगिस्तान जैसे इलाके में रहते थे, इसीलिए खाने का और कोई साधन उनके पास नहीं था। उस परिवार में मौजूद छोटे बच्चे बार बार भूख लगने के कारण रोते रहते थे। उनकी माँ ज्यादा दिनों तक अपने भूख से तड़प रहे बच्चों को देख नहीं पाई। आखिरकार उसने चाकू से गला काट कर उन बच्चों की हत्या कर दी, और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। कहा जाता है कि आज भी रात के वक्त इस कैनियन में भूख से तड़प कर रोते हुए उन बच्चों की आवाजें गूंज उठती हैं। लिटल पीपल्स विलेज। लिटल पीपल्स विलेज अमेरिका के कनेटिकट में स्थित है। मिडलबरी में रहने वाला पति पत्नी का एक जोड़ा था। उस पत्नी को घर के आसपास मौजूद जंगलों में छोटी छोटी परियां दिखाई देने लगी। फिर उस औरत ने अपने पति से कहा कि इन छोटी परियों को रहने के लिए वो कुछ घर बना दे। अपनी पत्नी की बात मानते हुए उसके पति ने जंगल में छोटे छोटे घर बना दिए, और धीरे धीरे उसने छोटे घरों का एक पूरा गाँव बना दिया। कहा जाता है कि परियों की मांगे पूरी करते हुए वो दोनों पागल हो चुके थे, और उनकी मौत के बाद छोटी परियों के लिए बनाया गया ये गांव अब एक खंडहर बन चुका है। और माना जाता है कि इन पति पत्नी की आत्माएं इस गांव में मंडराती हैं। रात के घने अंधेरे में लिटिल पीपल्स विलेज से किसी के खुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे सकती है, पर वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। कार्टर ब्रदर्स। एक दिन एक लड़की रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस को उसने बताया कि जॉन और वेन कार्टर नामक दो भाइयों ने उसे बंदी बनाकर रखा था। उस लड़की का कहना था कि वो दोनों भाई वैम्पायर थे और उसका खून पिया करते थे। उस लड़की के शरीर पर काटे जाने के कई निशान मौजूद थे, और इसीलिए पुलिस ने भी उस लड़की की बातों को गंभीरता से लिया और कार्टर बंधुओं के घर पर छापा मार दिया, और उस घर में उन्हें अगवा करके बंदी बनाई गई चार अन्य लड़कियां मिली जिनके शरीर से खून निकाला जा रहा था। एक दूसरे कमरे में उन्हें 12 लाशें मिली जिनमें से खून पूरी तरह से निकाला जा चुका था। कई पुलिसकर्मी उस घर में छुपकर बैठ गए और कार्टर बंधुओं के लौटने का इंतजार करने लगे। जब वो दोनों वापस आए तो उनको पकड़कर काबू में करने के लिए 8 पुलिस वालों की जरूरत पड़ी थी। उन दोनों भाइयों के पास जैसे कोई अमानवीय शक्ति थी। कुछ दिनों बाद उन्हें फांसी देकर दफनाया गया, पर जब उनकी कब्रों को वापस खोदा गया तो उनकी लाशें वहां से गायब हो चुकी थी। तब से लेकर आज तक जॉन और वेन कार्टर को अमेरिका के कई इलाकों में लोगों ने देखने का दावा किया है। दोस्तों, तो ये थे अमेरिका के कुछ अर्बन लेजेंड्स। अगले एपिसोड में आप किस देश के अर्बन लेजेंड जानना चाहेंगे, ये कम्युनिटी टैब में वोट करके या फिर इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।